गाइस तो माई नेम इज़ रोहित और मैं फ़िलहाल एम बी बी एस कर रहा हूँ फ्रॉम अल्माटी कज़ाकिस्तान माई यूनिवर्सिटी नेम इज़ लाइक इट्स फुल नेम इज़ एसफेंदिया काजन कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी विच इज़ ए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इन हेयर इन अल्माटी तो अभी एक तो बैकग्राउंड को आप इग्नोर कर सकते हो uh, क्योंकि मान लो ये भी बैठे हैं वो कर रहे हैं क्योंकि मेरे को एक यही अच्छा इन्वॉर्मेंट लगा कि मेरे को यहाँ पर थोड़ी वीडियो बनानी चाहिए आई गैस क्योंकि ये अच्छी लोकेशन है बाकी टॉपिक ऑफ द वीडियो ये है कि नीट का रिज़ल्ट आ गया है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ गए हैं जैसे एक तो कंपटीशन की वजह से सिक्सटी नाइन समथिंग स्टूडेंट्स के सेवन ट्वेंटी मार्क्स आए हैं समथिंग समथिंग कुछ इतने बच्चों के भी मार्क्स आए हैं जैसे एक ही सेंटर से आठ दस बच्चों के सात सौ बीस मार्क्स आए हैं तो एक वो भी इशू बता रहे हैं तो वो उसकी एन ने ये कहा है कि भाई हमने ग्रेस मार्किंग की है क्योंकि वहाँ पर कुछ बच्चों को अलग से एग्ज़ाम मिला था लेट मिला था अलग से नहीं सॉरी कि लेट एग्ज़ाम पेपर मिला था बट इसका मतलब तो ये हुआ कि जिसके सात सौ बीस आए फिर तो उसके सात सौ इक्कीस सात सौ बाईस आ जाएंगे बट उसकी कोई सेंस नहीं है तो मेरे का कहने का मतलब बस मेन यही था कि इस वीडियो का जो टॉपिक है वो मेन टॉपिक यही है कि अबाउट नी 2024 रिजल्ट कि कैसा क्या रहा तो ये तो एन करेगा भाई क्वालिफिकेशन कि कैसे क्या करना है उनको कि कोई ड्राफ्ट वगैरह वो और डालें बाकी मैं उनके बस ड्राफ्ट को ही तुमको एक्सप्लेन करूँगा कि उनका ड्राफ्ट क्या है उन्होंने ड्राफ्ट डाला है जिसमें उन्होंने ए निकाल ली है सिक्सटी नाइन स्टूडेंट के नाम दिए हैं जिसमें सिक्सटी नाइन स्टूडेंट्स के सेवन ट्वेंटी आउट ऑफ सेवन ट्वेंटी है फर्स्ट है फर्स्ट स्टैंडर्ड रैंक दिए और कुछ डाटा दिए तो एक तो डाटा ये है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो थे दो हज़ार उन्नीस के मुकाबले दो हज़ार उन्नीस में थे पंद्रह लाख उन्नीस हज़ार तीन सौ वायलिन दो हज़ार चौबीस चौबीस दो हज़ार चौबीस में डाटा है चौबीस लाख बच्चों का चौबीस लाख और एग्जैक्ट बात करें तो चौबीस लाख छः हज़ार उनासी ट्वेंटी फोर लैख सिक्स थाउजेंड एंड सेवेंटी नाइन तो ये डाटा है और प्रेजेंट एबसेंट इंडियन नेशनल्स नंबर ऑफ लैंग्वेज ये जो भी और एक्स्ट्रा डाटा है ये सब मैं यहाँ पे डाल दूँगा इसी वीडियो में कि कितना आया है डाटा या मतलब कितना डाटा है वो एग्जैक्टली exactly. अबाउट नीट कट ऑफ तो भाई नीट कट ऑफ लगी है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर की जनरल के लिए फोर्टी फिफ्थ परसेंटाइज जो कि है वन फोर्टी सिक्स टू हंड्रेड एंड सिक्सटी थ्री एस सी एस टी ओ बी सी के लिए फोर्टीथ परसेंटाइज जो कि हंड्रेड एंड सिक्सटी थ्री अपर पॉइंट बट लोअर इज हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन वाइल एस सी ओ बी पी एच इज़ फोटी दैट इज़ वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन टू हंड्रेड एंड फोर्टी फिफ्थ एंड एस टी पी एच दैट इज हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन टू हंड्रेड एंड फोर्टी वन तो ये मैं स्क्रीन शॉट्स डाल दूंगा जो भी तो एक इसमें वीडियो में मेन बात यह है कि भाई फ़ॉन में एडमिशन के लिए आपको क्या चाहिए फ़ोरन में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो इफ़ यू वॉन्ट टू परसू मेडिसिन इन फॉरन कंट्रीज़ लाइक कजाकिस्तान किर्गिस्तान रशिया ऑस्ट्रेलिया तो उसके लिए बेसिक प्रिंसिपल क्या है तो इसके लिए बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आपको जो नीट कट ऑफ आपकी आई है आपको नीट क्लियर करना ही करना पड़ेगा बिना नीट क्लियर करे आप कहीं भी एडमिशन नहीं ले सकते हो मेन पॉइंट ये है एक ये है कि इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए तो राइट नाउ अकॉर्डिंग टू नीट 2024 रिज़ल्ट नीट 2024 के रिजल्ट के हिसाब से आपको 650 प्लस मार्क्स चाहिए टू क्वालिफाई और टू गेट गवर्नमेंट कॉलेज मैं स्पेसिफ़िकली जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ ये कैटेगरी वाइज कम हो सकता है मे बी एस कैटेगरी को आपको मिल जाए छः पे बट अकॉर्डिंग टू जनरल कैटेगरी आपको 650 प्लस मार्क्स चाहिए ही चाहिए जिससे आप पी जी आई या फिर कोई रेपटेबिड कॉलेज लेस को एम OK, का मेडिसिन का जनरल मेडिसिन का ये नहीं कि आप डेंटल वगैरह ले रहे हो तो वो नहीं एक क्वेश्चन ये है कि वाई एवरी डिबेटिंग ओवर नीट ट्वेंटी रिजल्ट तो एग्ज़ाम का मार्क्स होते हैं सेवन ने हंड्रेड ने एंड ट्वेंटी बट कुछ बच्चों के सेवन हंड्रेड एंड एटीन एंड सेवन हंड्रेड एंड नाइन्टीन मार्क्स आए हैं जो कि नहीं है ठीक क्योंकि आ ही नहीं सकते वो इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि जो नीट एग्ज़ाम है वो एक नेगेटिव मार्किंग का एग्ज़ाम है इसमें आपके या तो आपके मार्क्स आएंगे सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टीन या फिर आपके मार्क्स आएंगे सेवन हंड्रेड एंड सिक्सटीन या फिर आपके मार्क्स आएंगे सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी क्योंकि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप अटैम्प्ट करके आए हो तो माइनस वन नेगेटिव मार्किंग के साथ वो मार्क्स हो जाएंगे सेवन हंड्रेड फिफ्टीन बट अगर आपने वो अटैम्प्ट ही नहीं किया तो आपके मार्क्स रह जाएंगे सेवन हंड्रेड सिक्सटीन क्योंकि आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई है सिर्फ वो चार मार्क्स कट गए तो ये इसके ऊपर डिबेट हो रही है इसके ऊपर नीट ने एन जो ऑफिशियल बॉडी है इसको कंडक्ट कराने की नीट की मेडिसिन एग्ज़ाम की ए, अंडर ग्रेजुएट यू एग्ज़ाम की तो वो कह रही है कि तो भाई बीच में मेरे फ़ोन में थोड़ा इश्यू आ गया था सो आई वॉज़ टर्किंग कि या तो आपके सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टीन मार्क्स आ सकते हैं या फिर आपके मार्क्स आ सकते हैं सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का एग्ज़ाम है अगर आप एक क्वेश्चन पर्टिकुलर गलत कर रहे हो तो आपका एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपके माइनस वन लग के सेवन हंड्रेड फिफ्टीन हो जाएंगे बट अगर आप उसको अटैम्प्ट नहीं कर रहे हो तो आपके सेवन हंड्रेड एंड सिक्सटी रह जाएंगे सभी ठीक कर रहे हो तो सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी हो जाएंगे सो so, ये भी एक टॉपिक है डिबेट का लेट्स सी एन टी ए क्या कहता है क्या नहीं खैर वो कह भी चुका है कि अबाउट सेवन हंड्रेड एट्टीन एंड सेवन हंड्रेड नाइनटीन मार्क्स के बारे में कि देर वॉज ग्रेस मार्किंग बिकॉज एग्जाम पेपर उनको लेट मिला था समथिंग लाइक दैट दे गिव द रीज़न बट इट्स नॉट फेयर फॉर द स्टूडेंट्स फ्यूचर क्योंकि इफ वी अप्लाई द ग्रेस मार्किंग दैन ए परसन कैन गेट अबोव सेवन ट्वेंटी मार्क्स विच इज़ द हाईस्ट मार्क्स इन एग्जाम सात सौ बीस मार्क्स के तो एग्जाम ही है उससे ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं बच्चों को सो इट्स नॉट फेयर तो इस पर डिबेट चल रही है लेट्सी वट विल दे डू अबाउट दिस थिंग एन टी एफ यू वॉन्ट टू चूज़ लाइक मेडिसियन इन फॉरन Why you should choose? Why you should not choose? About my experience of four year, मैं फोर्थ ईयर में हूँ फिलहाल कि आपको बाहर से एम बी बी एस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए लाइक कजाकिस्तान किर्गिस्तान रसिया वग़ैरह से एंड या फिर आपको बाहर से करनी चाहिए या फिर आपको प्राइवेट से करनी चाहिए एम बी एस करनी चाहिए या फिर अगर आपको एम बी बी एस नहीं मिल रहा है तो आपके लिए बी एस भी ऑप्शन बढ़िया है सो so, इन टॉपिक्स पर मैं वीडियो डालूँगा एक दो दिन बाद धीरे धीरे जो जो टॉपिक्स मेरे को लगेंगे कि आई शुड स्पीक सो रियलिटी के साथ भाई जो मेरे को आज तक फील हुआ उसके साथ डालूँगा मैं सो so, प्रॉपर डाटा के साथ कि ऐसे होना चाहिए सो आई विल नॉट लाइक बटर थिंग्स और समथिंग आई विल जस्ट पोस्ट वट आई फील बिकॉज आई एम नॉट ए हेयर स्पॉन्सरिंग समथिंग और वट एवर सो लेट्स सी आपका जैसा मन करे फिर आप वैसा चूज़ कर सकते हो बट जब मैंने एडमिशन लिया सो आई वॉज सर्चिंग मैं सर्च कर रहा था कि कोई मेरे को एक्चुअल में ये बताए कि यार ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए और ये चीज़ ऐसे हो गई या फिर ऐसे हो जाएगी अगर तुम ऐसे चूज कर लोगे तो क्योंकि कोई रियलिटी नहीं बताता कि स्पॉन्सरशिप्स की वीडियो होती हैं कि भाई बाहर एडमिशन लो मज़ा आएगा तो मैं प्रोज़ एंड कॉन्स दोनों बताऊंगा देन यू कैन चूज़ बिकॉज अभी स्टूडेंट्स चूज़ भी करेंगे वे सर्च भी कर रहे होंगे सो आई कैन अंडरस्टैंड देयर हेडेक और इन बेसिस पे भी सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू and stay tuned and stay connected i think this video will be informative for you i will attach the documents and drafts that entia re released all things and all all extra material that i think i should add to this video and let's see in future i think it will be informative for you thank you so much for watching my video if you like this video then hit the subscribe button and like this video and share to your medico friends also and stay connected for the upcoming videos. I think that will be more informative than this. So, thank you so much.